तो अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अपने कुछ एंगल्स, अंदर के एंगल्स जो होते हैं उनके सम किसी न किसी के बराबर आते हैं। जैसे ट्राइंगल में कल 180 पढ़ा था, क्वाड्रिलेटर में 360 पढ़ा था। तो इसी तरह से एक बार मैं सबके फॉर्मूले भी यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, तो आप एक बार देख लेना। और 3.2 एक्सरसाइज में इससे जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो वो तो 180 डिग्री होता है, जो भी उसके अंदर के एंगल्स होते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, थ्री सिक्सटी डिग्री होता है। एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, मतलब फाइव साइड्स वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसमें वो कितना होता है, 540 होता है। ठीक है, 180 डिग्री ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में 360 एंड पेंटागन में 540। ठीक है, तो ये रूल है। अब कल मैंने जैसे क्वेश्चन कराया ही था उसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है। अब ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, आपको पता है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा, जो जो मैं अपन निकाल रहा हूँ मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, ये 90 आ जाएगा। ये टोटल हमारा 110 होता है, ये 70 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 130। ठीक है, तो 130 प्लस 70 प्लस 90 प्लस ये एंगल जो भी है एंगल 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 130 प्लस 70 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ से एंगल 1 आपका निकल के कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, यानी ये 70 डिग्री है और ये 70 है, तो ये एक्स कितना निकल के आ जाएगा, 110। ठीक है, 110 डिग्री। तो ये एक तरीका था इसको निकालने का, तो ये लेकिन काफ़ी लेंदी है क्योंकि सारे एंगल निकालने पड़ेंगे। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम जो भी इसमें देखो आपको सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो हम इस चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 2.3.2 में हम एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बारे में रूल निकलेंगे। ये तो इंटीरियर एंगल्स का रूल था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स का रूल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो कितना निकल के आता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो है वो सम एक्सटीरियर एंगल्स का 360 निकल के आता है, इम्पॉर्टेंट रूल। ठीक है, यानी चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, किसी का भी एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी उनके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का सम 360 डिग्री होगा। तो इसी को मैं आपको एक्सटीरियर एंगल के थ्रू करा के देती हूँ, करके दिखाती हूँ। 110 अपना एक एक्सटीरियर एंगल है, प्लस 50 एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, प्लस 90 एक एक्सटीरियर एंगल है, देन अपना एक्सटीरियर एंगल है लास्ट फोर्थ एक्स, जो कि अपन को कैलकुलेट करना है, और इनका सम कितना आएगा, 360 के बराबर आएगा। 110 एंड 90, 250, ठीक है, 250 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो अपना एक्स कितना आ गया, 110 डिग्री निकल कर आ गया, जो कि वहाँ से भी यही आ रहा था। ठीक है, तो ये रूल हमको इजी हो जाएगा क्योंकि हमको इतनी अंदर की कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, देन बाहर का नहीं निकालना पड़ेगा, सिंगल स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो था एक टॉपिक 3.2 का। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज, अब जैसे अपन को कभी कभार दे दिया कि उनके एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर दोनों दे देंगे, कि हर एक एक्सटीरियर एंगल, सेकेंड टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो इतने का है। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल उसने दिया है 45 डिग्री का, मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में आपके दिया है, और बोला है कि नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितने साइड्स का पॉलीगन है, पेंटागन है, ट्राइंगल है या हेक्सागन है, ये आपको पता लगाना है। एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो हर एक्सटीरियर एंगल 45 का है, यानी सारी साइड जो है वो इक्वल है, इसका मतलब रेगुलर है, जो भी फिगर है वो रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन है वो। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स मतलब जितने 45 के एंगल आएंगे
उतनी साइड्स होगी। 45 के एंगल्स कितने आएंगे वो कैसे पता चलेगा? टोटल एंगल्स तो 360 डिग्री है और हर एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो ए ऐसे 45 के कितने अपन ऐड करेंगे कि 360 डिग्री हो जाएगा, तो वो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो डिवाइड करने से यहाँ पे आएगा 8। तो यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी उस पॉलीगन में, ठीक है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन की 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक एक्सटीरियर एंगल से पता लगा पाएंगे। अब यही केस आपको इंटीरियर एंगल दे दिया, अगर हर एक इंटीरियर एंगल इतने का है तो उस केस में आप मालूम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। मान लीजिए आपको इंटीरियर एंगल दे दिया कि हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो 125 डिग्री का है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 135 का है, ठीक है, हर एक इंटीरियर एंगल। हर एक इंटीरियर एंगल अगर 135 का है तो यहाँ से हम इंटीरियर से तो डिवाइड नहीं करेंगे इस पर, बट हम एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। कैसे? हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना का होगा? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री जो है हर एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और अगर एक्सटीरियर एंगल आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाएगी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल अपॉन, ठीक है, 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री, तो टोटल एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल से हमको नंबर ऑफ साइड्स अगेन वही 8 मिल जाए। तो इंटीरियर दिया हुआ हो तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फिगर देखा हो ठीक है, ऐसा कोई भी फिगर है अगर, तो मैं जैसे कह रही थी ईच एक्सटीरियर एंगल 35 का है, एक्सटीरियर एंगल यही थे, ठीक है। अगर ये एंगल 35 के थे तभी तो अंदर वाला 45 तभी तो हर एक अंदर का एंगल 180 माइनस 135 आया। तो मैं 180 में से माइनस कर सकती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली ड्रॉ करके बता रही थी, ठीक है। वही अगर 135 दिया होता सबका अंदर का, तो मैं हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 निकाल सकती थी। तो इस तरह से आप इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो तब भी आप नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितने भी साइड का फिगर हो सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि सबका सम 360 डिग्री ही आता है। एक क्वेश्चन अब अपन आपकी एक्सरसाइज में से कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2। उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो थोड़ा सा यूज़ करके अपना माइंड को। क्वेश्चन दिया है फिफ्थ का है आई थिंक, कि ईच एक्सटीरियर एंगल उसने बोला 22 डिग्री का है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या इससे एक रेगुलर पॉलीगन मिल पाना हमारे को? ईच एक्सटीरियर बोला इसका मतलब है रेगुलर तो है, तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है क्या, यानी रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा क्या, ड्रॉ हो जाएगा क्या? हम पता लगा लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ साइड होती है 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 22 बचा 140, ठीक है। तो 140 अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जा सकता है, ये 6 टाइम्स जाएगा 132। तो 132 के बाद आपके पास क्या बचा था? 140। 132 के बाद आपके पास 8 बचा, तो आप पॉइंट लगाओगे, फिर 0 उतारोगे, 80 बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये डेसिमल में आ रहा है समथिंग को आंसर। तो कभी नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में पॉसिबल है क्या? नंबर ऑफ साइड्स 1, 2, 3 होल नंबर में ही हो सकती है, ठीक है, 15, 30, 28, 20, बट डेसिमल में तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम इससे पॉलीगन जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा अपने नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में आएगी, है ना, डेसिमल्स में नहीं आनी चाहिए और आ भी नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप 3.2 पूरी सॉल्व कर सकते हो, है ना। इट्स एन वेरी इजी एक्सरसाइज, डू इट। थैंक यू।